ये तो ना ऐसे खा रहे हैं, लगता है बहुत दिन खाए नहीं। Hey guys, welcome back to our channel. फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं अब रात के 9 या 10 बजे इस टाइम पे ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग तो नहीं है, जस्ट वीडियो। तो कल टिशू की वैक्सीन थी इसलिए गए थे, और बाइक पे गए थे ना इसलिए मुझे ठंड लग गई। बाइक जाते हुए जो हवा लगती है ना, उस हवा से मुझे ठंड लग गई, और इतना ज़्यादा ठंड लगे मैं सांस भी नहीं। मुझे जब भी ठंड लगती है ना, मुझे सांस लेने में मेरे बहुत तकलीफें होते हैं, इसलिए सांस भी नहीं लग सकती। बहुत सारे मेडिसिन ली, उसके बाद इनहेलर 2 या 3 इनहेलर लेना पड़ता है मुझे रोज़ डेली। सो इनहेलर भी नहीं लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो सो दोपहर में कल जो बची हुई खाना थे वो तो दोपहर में खा लिया, अब सबने मिलजुल के खाए थे। रात को डिनर करने के टाइम आए तो तन्मय बोल रही ठीक है बाहर से ले आते, इसलिए मैं तो बिरयानी नहीं खाने वाली। सो मैं चाय बिस्किट ये सब खा लिया, और बिरयानी लेके आए तन्मय और भंटू ले खाना खा रहे हैं बाहर। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं सुबह से बिस्तर पे ऐसे ही कंबल ओढ़ के सो रहे थे, अब ये लोग डिनर कर रहे हैं। ये देखो भंटू और तन्मय, ये दोनों खा रहे हैं बिरयानी। ये तो ना ऐसे खा रहे हैं, लगता है बहुत दिन खाए नहीं। कुछ भी साइलेंट मूड में दोनों खाना खा रहे हैं। इसको ज्यादा गर्म नहीं है, अब ये ठंडा हो जाएगा तो ऑयली चीजें एकदम बेकार लगेगा, तो इसलिए इतना जल्दी खा रहे हैं वो सब। लगता है अभी खाना खाने लगते हाथ धोने बैठे। चिकन बिरयानी बंतु के फेवरेट है ना बंतु? हाँ। और बिरयानी के साथ साथ तन्मय सलाद में लिया है प्याज और खीरा, पर बंतु को खीरा पसंद नहीं इसलिए 2 या 4 खीरा लिए। मुझे खीरा बहुत पसंद है। ओह अच्छा, मैं सोचा था आपके आपको तो प्याज पसंद है ना, प्याज और टमाटर। सो बंतु के प्याज टमाटर ये सब सलाद में पसंद नहीं इसलिए खीरा लिया, प्याज लिया है तन्मय, उसको खीरा पसंद नहीं सलाद में। जाऊंगी घर, रूम जाके दरवाज़ा बंद कर लूँगी, पूरा घर बिरयानी के गंध से भरी हुई है, और ये गंध रूम में फैल जाए तो मैं सो नहीं सकूँगी। मैं वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं हूँ, हाँ अब बन गई क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से मैं नॉनवेज नहीं खा सकती। नॉनवेज खाते ही मुझे उल्टियाँ आ जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा अब नॉनवेज खाना छोड़ दिया, पर पहले खाती थी। और बचपन में तो मैं मछली के बिना चावल खा ही नहीं सकती थी, बहुत रोते थे जब मेरे घर पर कोई वेज खाना बनाए या कुछ भी हो वेज। सो मैं तो बिल्कुल खाना ही नहीं खाते थे, हर टाइम रोते थे, मम्मी को बोलते थे मुझे आज तबीयत ख़राब है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खा नहीं सकती, मुझे ये है वो है। बहुत सारे एक्सक्यूज दे देती थी, पर धीरे धीरे जब बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, सो अब नॉनवेज खा ही नहीं सकती। नॉनवेज खाना तो दूर की बात है, मैं जब खाना बनाती हूँ नॉनवेज की, कोई मछली बनाती हूँ या चिकन मटन कुछ भी बना लेती हूँ, उस टाइम मुझे इतना तकलीफ होता है, इतना तकलीफ है क्या बताऊँ, गंध से मुझे शायद तबीयत ख़राब हो जाती है। बोलते हैं ना समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ बदलते रहते हैं, वही हुआ है मेरे साथ। और अब लूँगी थोड़ी बहुत मेडिसिन और उसके बाद सो जाएंगे। आज दिन भर रेस्ट रेस्ट रेस्ट, मैं पूरा दिन रेस्ट ही किए थे। और भाई कॉल किए थे और बोल रहे थे तेरा तबीयत कैसी है, खाना लेके आओ। मम्मी ने भी कॉल किए थे खाना ले, खाना बना के भेजूँ, तबीयत कैसे है तेरे ऐसे। ओह सो चलो थोड़ी देर गाना सुन लेते हैं उसके बाद सो जाएंगे। ये देखो महारानी कितना काम करती है, घर की हर काम वही तो करती है ना मम्मी जी, घर के सारे काम यही करती है। अब ले रही हूँ रात की मेडिसिन, रात की नहीं बुखार की मेडिसिन है ये पैरासीटामल। सो इसके बाद मेडिसिन लेके उसके बाद सो जाएंगे। और मैं अभी भी खाए थे हाजमोला, तन्मय गए थे दुकान, कल बंतु के स्कूल है इसलिए मैं तो उठ के कुछ टिफिन नहीं बना पाऊँगी, तबीयत खराब है इसलिए तन्मय बोले उसके टिफिन ला देती हूँ। कोई कुछ भी ले आए थे शायद, क्या ले आए
बाउली बाउली लेके आए मतलब स्कूल के लिए और उस टाइम में वो मेरे लिए कुछ खट्टा लेके आओ इसलिए लेके आए हाजमोला, सारे हाजमोला खा ली इसके उसके बाद ले रहे हूँ मेडिसिन, इसके बाद सो जाएंगे। और आज एक प्रॉब्लम हो गई मेरी उंगली में, जो अंगूठी देख रहे हो इसके जो मुक्ता की अंगूठी बोलते हैं हम लोग बंगाली लोग, तो और ये टूट गई पता नहीं कैसे पर टूट गई। हर इस साल की शुरुआत से अच्छे भी बहुत चीज़ हुई थी पर बहुत चीज़ ख़राब भी हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। सो चलो जल्दी से मेडिसिन ले लेते हैं, इसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। मेडिसिन लेना डन। सो ब्लॉग को करेंगे एंड यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, अच्छे से रहना, खुद का ध्यान रखना, अपना परिवार का भी ध्यान रखना, अरे हम लोगों को सपोर्ट करते रहना, बाय। इस ठंड में फटे हुए होंठ को ठीक करने का तगड़ा उपाय, बहुत सारे बोरोलिन लो और अच्छे से लेप लो होंठों पे, रात भर रख दो, उसके बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। ये देखो किस किस के घर में ऐसे होते हैं, देखो मैंने ठोटों पे बोरोलिन लेपे थे ना, उस बोरोलिन का ये देखो, ये बोले बोले मम्मी आप मुझे भी दे दो, मैं बोले हाँ ठीक है दे दो, नहीं नहीं रहने दो मैं आपको किस करके ले लेती हूँ, पूरा होती सफ़ेद हो गया देखो इनको भी। ये मेरी लड्डू लड्डू मेरी बच्चा, सब चलो सबको गुड नाइट करो, गुड नाइट।